नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, YouTube में जब आप वीडियो देखते हो या तो Google में कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वो जो सर्च हिस्ट्री होती है वो सब मोबाइल में, आपके मोबाइल में जमा पड़ी रहती है। अगर आप उसे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि हमारे मोबाइल में से कोई और हमारी हिस्ट्री जो है वो कोई और ना देखे तो वो डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। वो डिलीट कैसे करें वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम YouTube की हिस्ट्री क्लीन करेंगे, उसके बाद Google की हिस्ट्री क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हमें YouTube में जाना है। YouTube में जाने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आप कोने में देख रहे हैं लाइब्रेरी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो उसी पे ही हमें क्लिक करना है। तो उसी पे ही हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ जो काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमें क्लिक करना है। हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपने वीडियो जो देखे हैं वो काफ़ी सारे जो वीडियो है वो यहाँ इंटरफेस हो जाएगा आपको। यहाँ जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट जो आप दिख रहे हैं, तो थ्री डॉट में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री कंट्रोलर, तो इसी पे ही हमें क्लिक करना है। तो इसी पे ही हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आएगा। पहला जो ऑप्शन है क्लीन वॉश हिस्ट्री और नीचे जो है क्लीन सर्च हिस्ट्री। तो हमें पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे जो यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको क्लीन वॉश हिस्ट्री, तो उसी पे ही हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक कर देते हैं हम। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लीन जो भी YouTube में जो आपने वीडियो देखा है वो सभी क्लीन हो जाएगा। हम देखते हैं, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले हम लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके बाद यहाँ हिस्ट्री में क्लिक करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस लिस्ट हैज नो वीडियोस, मतलब कि इसमें से कोई भी वीडियो अभी कोई आपने देखे नहीं, सब क्लीन हो गया है। तो इस तरह आप यूट्यूब में वीडियो जो है कोई भी वो क्लीन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब हम आपको गूगल में से कैसे हिस्ट्री डिलीट करें उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब हम बैक हो जाते हैं और यहाँ गूगल क्रोम जो है उसी पे ही हमें क्लिक करना है, तो उसी पे ही हम क्लिक कर लेते हैं। गूगल में जाने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आप थ्री डॉट देख रहे हैं उसी में ही हमें क्लिक करना है। उसमें उसके बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें हिस्ट्री करके जो ऑप्शन है उसी में ही हमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपने कोई भी वेबसाइट जो ओपन की है वो सभी वेबसाइट यहाँ आ जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पहला ही ऑप्शन है क्लीन ब्राउजरिंग डेटा, तो उसी पे ही हमें क्लिक करना है। इसमें भी तीन ऑप्शन आएगा आपको, तीन ऑप्शन है कि लास्ट 24 आवर में जो देखे हैं वही क्लीन करना है, या तो लास्ट 7 डे में जो आपने कुछ हिस्ट्री चार्ज की है तो वो डिलीट करना है, या तो ऑल टाइम करना है। तो आपको जो भी करना है वो इस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑल टाइम कर देते हैं। ऑल टाइम करोगे तो सभी जो देखा है आपने डेटा कोई हिस्ट्री वो सब क्लीन हो जाएगी। और यहाँ क्लीन डेटा, तो उस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ क्लियर कर देंगे। थोड़ी वेट करनी होगी आपको क्योंकि क्लीन होने में थोड़ी देर लगेगी। आप देख सकते हैं ब्राउजर हो रहे हैं, अभी ब्राउजिंग हो रहे हैं। यहाँ सभी हिस्ट्री जो है वो क्लीन हो गई। तो इस तरह आप गूगल की भी हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ।